हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सोडा स्वागत है। आज 29 सितंबर है तो आप रेडी हैं अपने करंट अफेयर सेशन दे नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपॉर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी पीपीएससी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल पीसीएस और बैंकिंग एग्जाम्स है। आप स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सब तो पहले सेशन नु शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो, सेशन नू शेयर करना स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करते हैं सेशन। सब तो पहले IBPS RRB JEE पंजाब पंजाब पुलिस SI और पटवारी दे लई बैचेस शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुसी चाहो तो इस दे विच एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने दे लई तुसी साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर तुसी साड़ी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दित्ता होया। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ नू अगर तुसी विजिट करना चाहते हो बाय करना चाहते हो तो भी तुसी वैबसाइट नू विजिट कर सकते हो। किसी तरीके की जानकारी हासिल करना चाहते हो तो भी वैबसाइट नू विजिट कर सकते हो। चैनल नू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो, वीडियोज़ नू लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। उन्होंने न्यूज़ नू सब तो पहले डिस्कस करांगे जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया, उन्होंने रिविजन करांगे तो फिर चलांगे अज की इंपोर्टेंट न्यूज़ को MCQ फॉर्म के डिस्कस करेंगे। सब तो पहले 25 सितंबर नू वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर नू थीम रही सी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ इज दी थीम रही सी 25 सितंबर। 25 सितंबर नू ही अंतोदय डे भी ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 25 सितंबर। 25 सितंबर ही सौभाग्य योजना या फिर प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना, प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना जड़ी लॉन्च की गई सी 3 साल पहले, 3 साल कंप्लीट किए ने इसने। प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना या कह सकते हैं सौभाग्य योजना ने। 26 सितंबर नूं वर्ल्ड इनवायरमेंट हेल्थ डे भी ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड इनवायरमेंट हेल्थ डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 26 सितंबर। नेक्स्ट है गूगल स्टार्टेड कोविड लेयर। गूगल द्वारा कोविड लेयर शुरू किया गया कोविड-19 केसिस के बारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड रिस्क इंडैक्स 2020। वर्ल्ड रिस्क इंडैक्स 2020 दे विच इंडिया का रैंक 89 है आउट ऑफ 181 कंट्रीज। 181 कंट्रीज दे विचों इंडिया 89th नंबर पर है। टॉप किया गया वनाउता द्वारा, टॉप वनाउता द्वारा किया गया। कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंट बनेगी। कैपिटल वीला है, करंसी वातू चलती है। कैपिटल वीला, करंसी वातू चलती है। सिमिलर तरीके नाल इस इंडेक्स दे विच सब तो लास्ट जिहड़ी कंट्री सी कतर सी, यानी कि सब तो घट जिथे रिस्क है वो कि कंट्री है? कतर है। नेक्स्ट है अकितम अचूतन। अकितम अचूतन नू 55th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड दिता गया। ज्ञानपीठ अवार्ड 55th एडिशन किसने जीते? अकितम अचूतन। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड दे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए ने रजत सूद। रजत सूद नू MD अपॉइंट किया गया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का। नेक्स्ट है शेखर बासू। शेखर बासू जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट सके, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है। इन्हों का नाम इस करके इंपॉर्टेंट है, इन्होंने INS अरिहंत को बनाने के विच काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिता से। INS अरिहंत जो कि इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड INS है, नेवी शिप है, इसको बनाने के विच कॉन्ट्रीब्यूशन दिता से और इन्हों पद्मश्री दिता गया 2014। नेक्स्ट है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन्होंने सुनील सेठी जो कि एक फैशन डिजाइनर ने इन्हों अपना एडवाइजर अपॉइंट किया। सुनील सेठी एडवाइजर अपॉइंट किया गया KVIC द्वारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री नीति आयोग के नाल मिलके रेज समिट हेल्ड कर रही है। रेज दी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट एक मेगा वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रेज।
कदों किया जाएगा? अक्टूबर 9, 2020 दे। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। होम अफेयर्स यानी कि डिप्टी होम मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी द्वारा 426 मीटर लॉन्ग केबल स्टेयर ब्रिज एक इसनों इनॉग्रेट किया गया दुर्गम चिवरू लेक दे उत्ते हैदराबाद दे विच। दुर्गम चिवरू लेक दे उत्ते हैदराबाद दे विच इसनों इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है श्रीपद यसो नायक जो कि आयुष मिनिस्टर ने, इन्होंने ई फाउंडेशन रखी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर दी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर दी। बेसिकली जितेंद्र सिंह दे नाल मिलके इसनों इनॉग्रेशन की गई है फॉर मेडिसिनियल प्लांट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने, अमित शाह इनॉग्रेट द 4 डे लोंग डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020। 4 दिन का लोंग डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अमित शाह द्वारा इनॉग्रेट किया गया ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसकी थीम रही है द एमरजिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस इस दिन की थीम रही है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज हैज़ एक्सटेंडेड इट्स पैक्ट विद आईआईटी कानपुर। इंडियन रेलवे ने आईआईटी कानपुर के नाल एग्रीमेंट्स सीगा जिहड़ा उसनों एक्सटेंड किया है किसके लिए? फॉर रिसर्च ऑन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। रेलवे का जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसनों मॉडर्नाइज करने के लिए आईआईटी कानपुर के नाल इंडियन रेलवे ने एग्रीमेंट साइन किया, इसनों एक्सटेंड किया गया। आईआईटी मद्रास द्वारा मौशिक एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया। आईआईटी मद्रास द्वारा मौशिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया। युवराज सिंह नू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह अपॉइंट किए गए। आमिर खान नू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। नेक्स्ट है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान नू $300 million का लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, एक लोन एग्रीमेंट आज भी डिस्कस करेंगे आप। $300 million का एग्रीमेंट किसने साइन किया है? राजस्थान ने। ठीक है, ADB दे। नेक्स्ट है इंडिया कंडक्टेड फोर्थ एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज GMEX। जापान के नाल एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड की गई GMEX। GMEX बेसिकली 2 साल के एक बार कंडक्ट की जाती है। आखिरी बार 2018 के विशाखापट्टनम के हेल्ड की गई सी। इस साल जापान के नाल यह एक्सरसाइज अरेबियन सी के हेल्ड की जा रही है। अरेबियन सी के हेल्ड की जा रही है फोर्थ एडिशन GMEX। नेक्स्ट है अ वैबीनार बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। इंडिया और कंबोडिया का एक वैबीनार हेल्ड किया गया अंडर थीम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वैबीनार एंड एक्सपो। इंडिया और कंबोडिया का एक वैबीनार हेल्ड किया गया कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप के उत्ते, बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्रीज नू प्रमोट करने के लिए। अपने लिए कंबोडिया की कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंट बनेगी, फ्रॉम फी कैपिटल है, करंसी रियल चल। इंडिया और इसराइल ने MOU साइन किया कॉरपोरेशन इन डेवलपिंग एंड एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की और उसनों अगे सेल करने की एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया इसराइल के नाल। USA की कंपनी हार्ले डेविसन USA की एक बाइक कंपनी है, इसने की किया मैनुफैक्चरिंग खत्म कर दी है इंडिया के। बेसिकली हरियाणा के इसका प्लांट सीगा और इसनों खत्म कर दिता, बंद कर दिता प्रोपर तरीके नाल USA। नेक्स्ट है मुहम्मद हुसैन रोबल अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर सोमालिया दे। सोमालिया दे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। सोमालिया कैपिटल मोगादिशु है, करंसी शिलिंग चल रही। नेक्स्ट है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने, इन्हों द्वारा अनाउंस किया गया कि जेडे नॉन एग्रीकल्चर लैंड होल्डर ने स्टेट के जिन्ना लवे नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उन्होंने मैरून कलर की पासबुक्स ने जड़िया इशू की जाएगी। नेक्स्ट है केरला का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन सीगा, उसने पाटा अवार्ड दिता पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड 2020
ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड 2020 किसने जीता? केरला दे ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन। केरला ने ही यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड भी जीते। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ने केरला नू अवार्ड दिता फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रैड ऑफ नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीजिज। नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीजिज के स्प्रैड नू रोकन दे ले। बेसिकली इस अवार्ड नू अनाउंस किया गया सी WHO दे हैड टेड्रोस एडानोम द्वारा। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेडिकल डिवाइसिज पार्क मेडस्पा एट त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम के मेडस पार्क आप थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया उदो अनाउंस किया गया सी बायोमेडिकल पार्क उसे नू ही इनोग्रेट फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेडस पार्क त्रिवेंद्रमपुरम। वैसट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी लॉन्च राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पो स्कीम। राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पो स्कीम वैसट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी द्वारा लॉन्च की गई। यूपी द्वारा ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया गया यूपी द्वारा टू स्टॉप ईव टीजिंग। नेक्स्ट है स्टैटिक पोर्शन के गोवा डिस्कस करेंगे। सब तो पहले 30th मई 1987 गोवा बनाया गया सी। 30th मई 1987 दे विच कैपिटल पंजी है। लार्जेस्ट सिटी वास्को दी गामा है। गोवा दी लार्जेस्ट सिटी वास्को दी गामा। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। चीफ मिनिस्टर कौन ने? प्रमोद सावंत। गवर्नर दी गल करिए भगत सिंह कोश्यारी, काफ़ी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। गवर्नर दी गल करिए सत्यपाल मलिक इत्थे दे गवर्नर हुंदे सी, इन्हां नू मेघालय दे गवर्नर बना दिता गया और महाराष्ट्र दे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी नू गोवा दा भी एडिशनल चार्ज दे दिता गया। दो डिस्ट्रिक्ट्स ने गोवा दे विच, दो लोकसभा सीट्स ने, एक राज्यसभा सीट है और 40 विधानसभा दी सीट्स ने। बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए महाराष्ट्र और कर्नाटका दे नाल बॉर्डर शेयर करदा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका दे नाल बॉर्डर शेयर करदा है। स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मामले के सब तो स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। भगवान महावीर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। मोलम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कितने है? गोवा के। बोंदला वाइल्डलाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्डलाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्डलाइफ सेंचुरी। बोंदला, नेत्रावली और कोटीगांव। बोंदला, नेत्रावली और कोटीगांव वाइल्डलाइफ सेंचुरी गोवा के। इस तो इलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी और सलीम अली नेशनल पार्क एक ऐसा क्वेश्चन है जो SSC के एग्जाम के और पंजाब के एग्जाम के भी कन्फ्यूजन करके पूछे जाते हैं कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कितने है? ये गोवा के। सलीम अली नेशनल पार्क कितने है? ये जम्मू एंड कश्मीर के। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कल भी डिस्कस किया सी। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर नू ऑब्जर्व किया गया। 27 सितंबर नू वर्ल्ड टूरिज्म डे यूनाइटेड नेशन WTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैडक्वाटर स्पेन दे विच है। स्पेन दी कैपिटल मैड्रिड दे विच हैडक्वाटर है। इसने इस नू ऑर्गेनाइज किया सी। ठीक है, हर साल इस दे द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट जिसकी थीम रही है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। COVID-19 के कारण टूरिज्म के उत्ते काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आया, इस करके टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इस दिन की थीम रही है। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट डेज हो डिस्कस करते हैं। 26 सितंबर पहले नहीं डिस्कस किया हुआ वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 26 सितंबर नू। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे ऑब्जर्व किया गया 26 सितंबर नू। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट डे CSIR आप काफ़ी बार डिस्कस किया, काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व किया गया। किनवा फाउंडेशन डे? 79th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 26 सितंबर। इसनों बेसिकली 1942 दे विच बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडक्वाटर है। न्यू दिल्ली दे विच हैडक्वाटर है और इसके हैड ने शेखर सी मांडे। इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनेगा, शेखर सी मांडे। CSIR काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के हैड ने
इज़ द फाउंडेशन डे 79th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की है 5 मेंबर कमेटी। इन्हों द्वारा 5 मेंबर कमेटी अपॉइंट की गई फॉर ऑल इंडिया वूमेन सिलेक्शन। इट इज़ हैडिड बाय बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। सब तो पहले मुंबई के हैडक्वाटर है। इसके 39th नंबर के प्रेजिडेंट ने सौरभ गांगुली। दो चीज़ा याद रखनिया ने। इस तो इलावा BCCI ने की कराया वूमेन सिलेक्शन कमेटी बनाई, यानी कि टीम के वूमेन की सिलेक्शन किस तरीके ने की जाएगी, इन्हों के लिए कमेटी बनाई। किन्ने मैंबर? 5 मैंबर। 5 मैंबर कि ने यो ही उसके मैंबर ने। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने इस करके इस तरीके रखे से कि यह 5 ही अपने मैंबर ने इस कमेटी के। हालांकि इन्होंने नाम इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे, अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा नाम चेयरमैन का। इस कमेटी चेयर कौन करेंगे? नीतू डेविड। फर्स्ट ऑप्शन नीतू डेविड इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2020। रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल फॉर्मूला 1 कार रेसिंग का रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जितया? थर्ड ऑप्शन वोल्टेरी बोटास द्वारा। वोल्टेरी बोटास की गल करिए, वोल्टेरी बोटास कितों बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड तो। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तो इलावा इन्होंने कोई ग्रैंड प्रिक्स टाइटल दिता 2020 के विच? जरूर जितया। इन्होंने जो टाइटल जितया सी ओसी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ठीक है, अगर आप गल करिए टोटल 8 ईवेंट्स हैल्ड किए जा चुके हैं। ठीक है, अपने लिए सारे के नाम इंपोर्टेंट बनेंगे कि किसने केड़ा जितते। ईजी है याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर एक सिंगल परसन ने जीते ने, दो तीन याद रखा। फॉर एग्जाम्पल 8 या 9 ईवेंट्स हैल्ड किए जा चुके हैं। वोल्टेरी बोटास ने जो कि फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रियन और रशियन जीते। ठीक है, दूसरा पेरे गेसली ने किहड़ा जितया सी? पेरे गेसली ने जितया सी जो कि फ्रांस तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने जितया सी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया सी। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल पीरे गेसली ने जितया सी। दो हो गए और तीसरा यह हो गया। तीन आप ग्रैंड प्रिक्स डिस्कस कर देने, परसन अपने लवे 4 ने। मैक्स वर्सटैपन द्वारा एक सिंगल ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया गया सी, 70th एनीवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। 70th एनीवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल मैक्स वर्सटैपन द्वारा। ठीक है, 4 ईवेंट्स हो गए। 4 तो इलावा 5 ईवेंट्स लुइस हैमिल्टन ने जितने, टोटल 9 ईवेंट्स हैल्ड किए जा चुके ने। 5 लुइस हैमिल्टन ने जितते ने। मैक्स वर्सटैपन कितों बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन कितों बिलोंग करते हैं? लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्सटैपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। ये सारी फैक्ट्स इंपोर्टेंट बनने गए, याद रखने ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए लुइस हैमिल्टन ने कड़े जितते ने? हंगरीयन, ब्रिटिश, स्पैनिश, बेल्जियन और टस्कन। हंगरीयन, ब्रिटिश, स्पैनिश, बेल्जियन और टस्कन, 9 ईवेंट्स हो गए, याद रखने ने। अच्छा, ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग की गल है। अगर आप टेनिस की गल करिए, टेनिस के आप डिस्कस किए थे 4 ग्रैंड स्लैम्स होंगे ने। सब तो पहले ऑस्ट्रियन, फ्रेंच, विबिल्डन और US। ठीक है, ऑस्ट्रियन हैल्ड किया गया सी, US रिसेंटली हैल्ड किया गया, आप डिस्कस किया सी। विबिल्डन कैंसल किया गया सी और फ्रेंच पोस्टपोन किया गया सी। आप डिस्कस किया सी फ्रेंच पोस्टपोन किया गया सी, ये हुण फाइनली शुरू कर दिता गया। इस साल के ही हैल्ड किया जाना सी, तो इसको शुरू किया गया फ्रेंच ओपन। कुछ दिन तक जो ये खत्म हो जाएगा उस तो बाद आपां इन्हां दे विनर्स डिस्कस करांगे। फ्रेंच ओपन भी हैल्ड किया जा रहा है, याद रख। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज AIFF फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20। ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन की गल करिए, इस द्वारा अवार्ड दिते जाते हैं फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर। एक पूरे साल के फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन एंड वूमेन दे। ठीक है, तो मैन दे दिता गया गुरप्रीत सिंह संधू नू, और वूमेन दे दिता गया संजू। वूमेन ने वूमेन टीम के कैप्टन, वूमेन टीम के खेलते हैं, और गुरप्रीत सिंह संधू मैन टीम के ने बेसिकली गोलकीपर ने। ठीक है, और इन्हों दोनों ने अवार्ड दिते, यानी कि अपना 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर होएगा, बोथ 1 एंड 2, गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। बेसिकली सैकेंड यह कैप्टन, सैकेंड गोलकीपर बने ने जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20।
बाइचिंग भूटिया, बाइचिंग भूटिया सिक्किम तो बिलोंग करते ने, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर ने फुटबॉल दे इंडिया दे। और इन्हां दी गल करिए, इन्हां दे नाम दे उत्ते सिक्किम दे विच इक स्टेडियम बनाया जा रहा है, इंडिया का पहला ऐसा स्टेडियम जो किसी एक फुटबॉल प्लेयर के नाम के उत्ते बनाया जा रहा है, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम सिक्किम दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना। नेक्स्ट है, हू हैज़ स्कोर्ड मैक्सिमम डिसमिसल इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल। टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की गल करिए, टी ट्वेंटी अगर आप गल करिए, क्रिकेट है जी, ओडीआई, टेस्ट और टी ट्वेंटी, तीन तरीके की होंगी है, वन डे इंटरनेशनल, टेस्ट और टी ट्वेंटी। तो टी ट्वेंटी के मैक्सिमम डिसमिसल वाले किहड़े प्लेयर बन चुके हैं? डिसमिसल की होंगे बेसिकली, जेडे की कह सकते आप कि जेडे विकेट कीपर होंगे ने, विकेट कीपर होंगे ने, उन्होंने द्वारा जेडे विकेट गिराई जाती है उहदे वाले किहड़े प्लेयर बने ने? टी ट्वेंटी के सब तो ज़्यादा विकेट लैन वाले किहड़े प्लेयर बने ने? सैकेंड ऑप्शन अलीसा हिली। बेसिकली इन्हों का रिकॉर्ड सीगा महेंद्र सिंह धोनी का, एम एस धोनी का रिकॉर्ड सी 91 विकेट्स का, एज ए विकेट कीपर 91 विकेट्स का रिकॉर्ड सीगा इन्हों का। अलीसा हिली ने 92 विकेट्स लेके इन्हों का रिकॉर्ड तोड़ दिता है। वूमेन क्रिकेट प्लेयर ने, याद रखना है, और ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, सिमिलर तरीके नाल एक होर न्यूज़ सी कि जिहड़े स्टीफन टेलर जो कि वैसट इंडीज़ टीम तो बिलोंग करते हैं, भी वूमेन क्रिकेटर ने, पहले टी ट्वेंटी प्लेयर बने ने जिन्होंने 3000 रनज पूरे किए ने। 3000 रनज पूरे करने वाली फर्स्ट वूमेन टी ट्वेंटी प्लेयर कौन ने, सॉरी सैकेंड वूमेन बने ने स्टीफन टेलर, पहले कौन सी? सूजी बेट्स। सूजी बेट्स न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड सूजी बेट्स ने, और दूसरे टी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्लेयर बने ने स्टीफन टेलर, दोनों वूमेन प्लेयर ने, याद रखें। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नैशनल मैडिकल कमीशन। नैशनल मैडिकल कमीशन पहले भी डिस्कस किया सी अपन ने कि जी मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने की करया, अपना नाम चेंज करता, मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके नैशनल मैडिकल कमीशन रख दिता गया। इस करके नैशनल मैडिकल कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए ने? सुरेश चंद्र शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन सुरेश चंद्र शर्मा नू पहले नैशनल मैडिकल कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। जिहड़ा मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सी, ये 1933 दे विच बनाया गया सी, ते न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडक्वार्टर है। इसका हैडक्वार्टर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। 3 साल के लिए इन्हों अपॉइंट किया गया, याद रखना, सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शन की, तो बाकी ऑप्शन के हरिवंश नारायण सिंह बेसिकली राज्यसभा के मैंबर ने, और राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, इन्हों रीइलैक्ट किया गया सी डिप्यूटी चेयरमैन। मेरा क्वेश्चन है, 99 नंबर के डिप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट किए गए जी? यह 99 नंबर के डिप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। अगर चेयरमैन की गल करिए, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे ने, याद रखना। इस तो इलावा लोकसभा के स्पीकर का नाम दसना है, लोकसभा के स्पीकर का नाम की है वह भी कमेंट बॉक्स के दसना है, प्लस उन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी और कितों लोकसभा MP ने। इस तो इलावा राणा साहवी और दियो प्रसाद राय दोनों रिलेटेड एक न्यूज़ है और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले राणा साहवी, इन्हों यामीन हजारिका अवार्ड दिता गया, यामीन हजारिका अवार्ड राणा साहवी ने, वन लाइनर के याद रखांगे, यामीन हजारिका अवार्ड किसने जीते है? राणा साहवी ने। दूसरा नाम है दियो प्रसाद राय, ये बेसिकली सिक्किम तो बिलोंग करते हैं, एक आर्टिस्ट ने, दियो प्रसाद राय, इन्हों द्वारा आर्ट कॉन्टेस्ट जीते गए। हालांकि अपने लिए इंपोर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि इन्हों का जो आर्टवर्क है माई ग्रैंड मा, इसने ये अवार्ड जीते यूरोपियन लंग फाउंडेशन के विच, जिदी कैश प्राइज सी 5000 यूरो। माई ग्रैंड मा आर्टवर्क ने दियो प्रसाद राय द्वारा यूरोपियन लंग फाउंडेशन के अवार्ड सैरेमनी के अवार्ड जीते गए। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड
USD 270 million लोन फॉर मध्य प्रदेश फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स। पर हमने डिस्कस करके हटी थी, राजस्थान में दिता गया सी 300 million और सिमिलरली ADB द्वारा 300 मिलियन राजस्थान में दिता गया। ADB द्वारा ही 270 मिलियन MP दे लिए अप्रूव किए गए हैं, 270 मिलियन MP दे लिए अप्रूव किए गए हैं अर्बन प्रोजेक्ट्स दे लिए। अगर आप गल करिए ADB दी 68 मेंबर कंट्रीज, मेट्रो मनीला फिलीपींस दे विच हेडक्वार्टर है, मसद सुगु आसाकावा इस दे हेड ने, और जो ADB है इस दे वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अशोक लवासा जो कि होंदे सी इलेक्शन कमिश्नर होंदे सी इंडिया दे, तो इलेक्शन कमिश्नर दी पोस्ट खाली हुई, इत्थे अपॉइंट किए गए राजीव कुमार जो कि फाइनेंस सैक्रेटरी होंदे सी। तो फाइनेंस सैक्रेटरी कौन ने? फाइनेंस सैक्रेटरी ने अपने अजय भूषण पांडे जो कि रेवेन्यू सैक्रेटरी भी ने, रेवेन्यू सैक्रेटरी और फाइनेंस सैक्रेटरी कौन ने? अजय भूषण पांडे। ठीक है, इस तरीके ना सारे याद रखने हैं। इस तो इलावा अगर आप गल करिए वर्ल्ड बैंक की, तो 189 मैंबर कंट्रीज़ ने, वाशिंगटन DC दे विच हेडक्वार्टर है और डेविड मलपास इज़ दे हेड ने। IMF की गल करते हैं तो 189 मैंबर कंट्रीज़ ने, वाशिंगटन DC दे विच हेडक्वार्टर है, इस दे हेड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। NDB 5 मैंबर कंट्रीज़ ने, ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई चाइना दे विच हेडक्वार्टर है और इस दे जेड़े हेड ने मार्कोस त्रियोजो बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने, ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। AIIB की गल करिए 103 मैंबर कंट्रीज़ ने, 103 मैंबर कंट्रीज़ ने, लिबेरिया इज़ द लास्ट मैंबर बनया सी, इस दा हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना दे विच है और जिम लिक्विन इस दे हेड ने, इन्हों का रिसेंटली टेनोअर भी इंक्रीज़ किया गया। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड MOU ऑन वाटर पार्टनरशिप ड्यूरिंग वाटर पार्टनरशिप फोरम मीटिंग हेल्ड की गई थी, एक फोरम हेल्ड किया गया, इस दे दौरान वाटर पार्टनरशिप दे लई MOU साइन किया इंडिया ने, केड़ी कंट्री दे नाल? UK दे नाल। इंडिया ने UK दे नाल वाटर पार्टनरशिप दे लई एक MOU साइन किया, याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं UK दी, तो बोरिस जॉनसन इस दे प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छा MOU की गल आती है, तो MOU आप काफ़ी डिस्कस किए ने, एक बार रिवाइज़ कर लें, काफ़ी इंपोर्टेंट MOU ने। अगर गल करिए एक नंबर के पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यह एग्रीमेंट इंडिया ने किस कंट्री के नाल किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए इज़राइल के नाल आप हमने डिस्कस करके हटे से, एक तो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, इस तो इलावा इज़राइल के नाल कल्चर के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए इज़राइल के नाल एग्रीमेंट साइन किए गए। अगर गल करते हैं डेनमार्क के नाल एक एग्रीमेंट तो साइन किया गया सी पावर दे रिलेटेड, एक होर आप डिस्कस करांगे, न्यूज़ है अपनी। तीसरा फिनलैंड दे नाल अगर आप गल करिए जॉलोजी दे लई कॉरपोरेशन दे विच फिनलैंड दे नाल, अफगानिस्तान दे नाल गल करिए एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दे लई अफगानिस्तान दे नाल, इंडोनेशिया दे नाल गल करिए मैरीटाइम कॉरपोरेशन दे लई इंडोनेशिया दे नाल, भूटान दे नाल गल करिए इनवायरमेंट दे लई भूटान दे नाल। ठीक है, ये एग्रीमेंट याद रखने ने, इंपोर्टेंट बन गए। डेनमार्क दे नाल पावर रिलेटेड एक होर एग्रीमेंट है, डेनमार्क दे नाल साइन किया गया टू इंक्रीज कॉरपोरेशन इन द एरिया ऑफ इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया ने डेनमार्क दे नाल, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे रिलेटेड एग्रीमेंट डेनमार्क दे नाल। श्रीलंका की गल करिए, श्रीलंका नू इंडिया ने अनाउंस किए ने $15 million की ग्रांट असिस्टेंस। बेसिकली दो तरीके आप अमाउंट दिने हों या लेने हों, या तो वह ग्रांट की फॉर्म के होंगी है या फिर होंगी लोन के फॉर्म के लाइन ऑफ क्रैडिट कह दें आप, तो जी ग्रांट होंगी है वह अपने अगर आप किसी कंट्री दी है तो वह वापिस नहीं आएगी, अगर आप किसी कंट्री लोन दिता है तो वह वापिस आता होंगे, तो $15 million ग्रांट दे दी है इंडिया ने श्रीलंका नू अनाउंस की है फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज। पर कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी इंडिया और श्रीलंका का समिट हेल्ड किया जाना सी इलैक्ट्रॉनिक ई समिट, तो इस ई समिट के विच
$15 million अनाउंस किए ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। सिमिलरली इंडिया ने 1.54 billion रुपए नेपाल नु प्रोवाइड किए ने फॉर पोस्ट अर्थक्वेक असिस्टेंस। और नेपाल की गल करिए 2015 या 2016 के बीच इतने अर्थक्वेक आया सी एक, जिस कारण नेपाल नु काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ सी। ठीक है, उस टाइम तो इंडिया ने अनाउंस किया कि असी सू असिस्टेंस प्रोवाइड करावे जिनी करवा सकते, तो हौली हौली प्रोवाइड करवाते करवाते 1.54 billion रुपीज़ इंडिया प्रोवाइड कर चुके नेपाल नू। अमाउंट याद रखनी है 1.54 billion रुपए नेपाल प्रोवाइड कर चुके पोस्ट अर्थक्वेक असिस्टेंस के रूप के। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन। बेसिकली आप डिस्कस किया 25 September बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, 104th बर्थ एनिवर्सरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसनों अंतोदय दे नाम नाल भी जानते हैं आप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, हुन इन्हां दी एक बुक लिखी गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन, इसे दिन इसनों रिलीज़ किया गया है। इस बुक नूं लिखा गया इंदर सिंह ठाकुर द्वारा, बुक लिखी गई है इंदर सिंह ठाकुर द्वारा और रिलीज़ की गई है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा इस बुक नू रिलीज़ किया गया। राइटर कौन ने? इंदर सिंह ठाकुर। राधा नायर द्वारा ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40 बुक लिखी गई सी। गौरी खान द्वारा माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक लिखी गई सी। अरुण ज्योति रॉय द्वारा आज़ादी बुक डिस्कस की थी, आज़ादी बुक लिखी गई सी अरुण ज्योति रॉय द्वारा, आज़ादी फ्रीडम वैक्सीनेशन और फिक्शन। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन गोगामुख असम विच विल बी नेम्ड आफ्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सिमिलर तरीके नाल एक इंस्टीट्यूट भी इनॉग्रेट किया गया जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम के उत्ते रखा जाएगा, टू सैलीब्रेट बर्थ एनिवर्सरी। इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने बनाया गया? गोगामुख असाम दे विच। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसनों इनॉग्रेट किया होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन ने? नरेंद्र सिंह तोमर इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, इस तो इलावा इन्हें पंचायती राज मिनिस्ट्री है, इस तो इलावा इन्हें लवे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल लवे फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री होंगी सी, इन्होंने रेजिग्नेशन दिता सी, तो फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री भी नरेंद्र सिंह तोमर नू दे दी गई है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। राम विलास पासवान लवे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी है। राम विलास पासवान। डीबी सर्बानंद गौड़ा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने। नेक्स्ट है, विच सिटी वॉन यूनेस्को अवार्ड अंडर रेजिलियंस कैटेगरी विच विल बी गिवन इन 2021 एट पेरिस। बेसिकली की होया कि जेड़ा यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कितने है? पेरिस फ्रांस के। यूनेस्को का एक अवार्ड है रेजिलियंस कैटेगरी के दिता गया। रेजिलियंस कैटेगरी बेसिकली इस तरीके का इनिशिएटिव जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नू भी फॉलो किया जा सके और अच्छे तरीके डेवलपमेंट की जा सके, इस अवार्ड दिता जाएगा 2021 पेरिस दे भी दिता जाएगा। अनाउंस किया गया केड़ी सिटी ने जितया? इंडिया दी सूरत। सूरत नू डायमंड सिटी दे नाम नाल भी जाने जाता है। इंडिया दी डायमंड सिटी केड़ी है? सूरत है। सूरत गुजरात दे विच है और इसने इस अवार्ड नू जीते। ठीक है जी, इंदौर दी गल करिए, इंदौर MP दे विच है और इंदौर लगातार स्वच्छ सुरक्षण सर्वे दे विच टॉप कर रहा है इंदौर। इंदौर यानी कि सब तो इंडिया दी क्लीनेस्ट सिटी है। गुवाहाटी कितने है? असम दे विच है। गुवाहाटी असम दे विच है। असम दे विच तीसरा एडिशन हेल्ड किया गया सी खेलो इंडिया गेम्स का। चौथा एडिशन कितने हेल्ड किया जा रहा है? हरियाणा दे विच। अच्छा, असम दे रिलेटेड एक
ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਯਟਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਕੀਮ। ਪਰਯਟਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਕੀਮ, ਪਰਯਟਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਸਮ ਦੁਆਰਾ। ਮੁੰਬਈ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਗੈਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਗੈਸਟਰੋਨੋਮੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਂਟਾਇਰ ਸਟੇਟ ਐਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫੋਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੂ ਟੈਸਟ ਫੋਰ TB। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ TB ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ TB ਟੈਸਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਸੀਗੀ ਵੈਨੀਕਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕੇ ਨਟਰਾਜਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੇਲ ਆਫ ਲੂਜ਼ ਸਿਗਰੇਟਸ ਔਰ ਬੀਡੀਸ। ਲੂਜ਼ ਸਿਗਰੇਟਸ ਔਰ ਬੀਡੀਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਟ ਹੈ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਿਗਰੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਿੰਨ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਸਿਗਰੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸਦਾ ਵੇਚਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਲਵੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਸਿਗਰੇਟਸ ਅਗਰ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੂਜ਼ ਸਿਗਰੇਟਸ ਔਰ ਬੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅ ਵਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ ਐਟ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ UP। UP ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕੰਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਟਰਟਲ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੇਗੂਸਰਾਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਇੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।